देवरिया जनपद बनकटा थाना क्षेत्र के सोहनपुर टोला मधईपुर निवासी चंद्रावती देवी पत्नी स्वर्गीय कालिका सिंह व पतो शारदा देवी पत्नी रमेश सिंह को बनकटा पुलिस सुबह से थाने में बैठाई है और आरोपी थाने में बाहर घूम रहे। आपको बताना चाहेंगे कि गरीब महिला जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसके पतों के साथ मारपीट व छेड़खानी की गई पीड़ित महिला अपनी बात लेकर बनकटा थाने की पहुंची, जहां पहले से ही आरोपी थाने पहुंच चुके थे। वह अपनी तहरीर देने गई लेकिन उस महिला को थाने से भगाया जा रहा था, लेकिन महिला अपनी छेड़खानी का कंप्लेंट लिखाने के लिए अड़ी थी, जिसको देख महिला के पतों को थाने पर बैठा लिया गया। देख इस महिला के बयान की क्या कहती है महिला। मामला यही है, हमारे पतोई के साथ नथन और उसका तीन बेटा छेड़छानी कर रही है घर में ढुक के हमारे बहू को चोली फाट दिया। पाछे इधर कहते उनका नथनी फपेली दाब ले लिया। वो थाने पर बोला तो कहते कि तुम झूठे करेगे छेड़छानी कर रहे हैं। अभी यहाँ आकर के नथन का बेटा जो है रवि, वो बोल रहा है कि एक इसका गाँव भर से किसी से राय नहीं है, तो गांव भर का लोग से मिल करके हमारा बेटी बहू को भरम उतार दिया जाएगा। श्रीमान जी ये कहाँ से कानून है? आपको पता है कि क्यों बैठाया गया यहाँ पे? यहाँ पर बैठाए गए, तुम भी बैठो। वो पार्टी आया है, भाग गया, एक लड़का उसका आया वो भी भाग गया, फिर वो भी आया, फिर उसको बैठाया, उनका पिता ने आया नथम, तीन लड़का वो भी भागा गया। अच्छा, तहरीर आप दी है और आपको बैठा लिया? हाँ, क्यों हमको बैठा लिया, उनको भगा दिया। अच्छा, एप्लीकेशन आप ही दिए? हाँ, हम भी दिए हैं श्रीमान जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्रावती, हमारा बहू का नाम है शारदा देवी। कांग्रेस से सेवा दल ने आज देवरियों में उन लोगों की खोज की जो कभी पूर्व में कांग्रेस पार्टी में रहे थे और वर्तमान में नहीं थे। ऐसे उन लोगों की खोज की गई जो उत्तर प्रदेश के बाहर रहते थे और वर्तमान में जनपद में निवास कर रही हैं। इस तरह के अखलाक अहमद सिद्दीकी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रतिष्ठित कार्यकर्ता थे, आज उन्होंने भी सेवा दल को ज्वाइन किया तथा अपना तन मन धन से कांग्रेस सेवा दल में समर्पित करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। डॉक्टर द्वारका सिंह जो प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, वह प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में आना स्वीकार किया और सेवा दल के साथ कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की। आप लोगों ने अखलाक भाई को सम्मिलित करवाया सेवा दल में जी, ये किसके माध्यम से संभव हुआ? देखिए, अखलाक भाई को सेवा दल में सम्मिलित कराने के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे आदरणीय श्री राजमंगल सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, साथ साथ श्री मालवी अशोक मालवी सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इन दोनों लोगों ने हम लोगों को बताया, हम लोगों को ले गए और ले जा करके अखलाक भाई साहब से मिलाए और मिला करके उनको सेवा दल में, कांग्रेस सेवा दल में सम्मिलित कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम चलते हैं आदरणीय श्री राजमंगल सिंह के पास और जानते हैं कि ये वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं और सेवा दल को लगातार मजबूत करने में लगातार काम कर रहे हैं जी, जी। तो उनकी राय क्या है और उनके विचार क्या है, हम लोग जानते हैं जी। सर, आप क्या कहेंगे, काफ़ी आपके सहयोग प्राप्त हो रहे हैं सेवा दल को? महाराष्ट्र की धरती से जी हमारे माइनॉरिटी के नेता आज कांग्रेस सेवा दल द्वारा सम्मिलित किए जाने से काफ़ी हौसला अफजाई हुआ है और अकलियत का भी एक अहम हिस्सा है। इनके आने से पूरी माइनॉरिटी, पूरे अकलियत के लोग कांग्रेस सेवा दल से जुड़ेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस सेवा दल को इनके आने से एक मजबूती प्रदान हुआ है और जिससे कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी का भी हाथ मजबूत होंगे। ये हाथ के साथ हैं, विश्वास के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस सेवा दल के साथ हैं। आदरणीय मित्रगण, इससे तो पहले मैं महाराष्ट्र की धरती पे था, वहाँ भी हम लोगों ने कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा काम किया और हमेशा जो है तन मन धन से कांग्रेस से हम लोग लगे रहे। अब कुछ दिनों के बाद जो है हमको जो है यहाँ यूपी की सरजमी पे आना हुआ और यहाँ भी हमने जो है कांग्रेस सेवा दल के थ्रू हम लोग जुड़े हुए हैं और ज़मीन से हम लोग जो है इस बात के लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारा सेवा दल कांग्रेस जो है काफ़ी मजबूत हो और तन मन धन से हम लोग इसके लिए मेहनत करें और देश का जो है भविष्य उज्ज्वल हो। दोस्तों, इसी बात को मैं बार बार कहना चाहूँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।